स्वागत है हुशियारपुर न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का। मैं हाँ चेतन कश्यप। सो हुशियारपुर के हलका चब्याल तो कांग्रेसी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक डॉक्टर राजकुमार वल्लों अपने परिवार समेत हुशियारपुर के पिंड मांझी च अपनी वोट पोल की गई है। तो इस दौरान उन्होंने वालों विरोधियों से जोड़े तिखे शब्दी हमले किए गए हैं। डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि जिन्हों विरोधियों वालों हलका चब्याल च जित लैके व्डे व्डे दमगजे मारे जा रहे सन, उन्होंने ज़्यादातर पिंडां च यानी कि 40 तो लैके 50 पिंडां तक बूथ तक भी नज़र नहीं आए जिन्हां विरोधियों वल्लों उन्होंने तंज कसे जा रहे सन। सो एक वड्डा बयान है जिहड़ा डॉक्टर राजकुमार वल्लों दिता गया है। तो जदों उन्हां नूं उन्हां दी जित बाबत सवाल पूछा गया तो उन्हां वल्लों कहा गया कि लोकां वल्लों उन्हां नूं भरमा हुंगारा दिता गया है, परंतु जित नूं लैके अजे तक उन्हां वल्लों कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आने वाली 10 मार्च में ही इस बाबत पता लग सकता है। परंतु इस दौरान विधायक डॉक्टर राजकुमार वल्लों अपने विरोधियों से तिखा तंज है जिहड़ा कसिया गया है। सो पत्रकारां नाल रूबरू हुंदे आ विधायक डॉक्टर राजकुमार वल्लों की कुछ कहा गया है तुहानू सुणाउंदे हां। जी अज लोकतंत्र के त्यौहार के अज वोटा का दिन सी और जिस दे तहत मैं अपने वोट पाउण का हक अज मिलिया। मैं अपने नगर पिंड मांझी विखे अपनी वोट पाई है। तो मैं अज अपने तमाम पंजाब के वोटर साहबानों मैं उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, अपने हल्के वोटर का धन्यवाद करदा जिन्होंने बड़े अमन अमान के नाल वोटा पाइया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ਜੇਕਰ ਚੱਬਿਆਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40-50 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕਾ ਚੱਬਿਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਜੀ ਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੜੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to affect positive change around them.